हरपाल जी से निवेदन करूंगा कि वहां आए। स्वागत संबोधन के माध्यम से माननीय श्री ओम बिरला जी का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, आप सबका स्वागत करने के लिए माननीय श्री कंवरपाल जी। आज ये हमारे लिए बहुत ही खुशी और गौरव की बात है कि आज ये कार्यक्रम जो लाइट एंड साउंड हम शुरुआत कर रहे हैं, उसके हमारे माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय ओम प्रकाश बिरला जी, मैं उनका अपने विभाग की ओर से, सरकार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान मनोहर लाल जी, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। पूजनीय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, आज वो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं और हमारे मार्गदर्शक हैं इसमें, तो मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। उनके साथ ही बहुत से संत वृंद आज इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, मैं हृदय की गहराई से उनका अभिनंदन करता हूं। और हमारे एमडी, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी एमडी सिन्हा जी जो इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं, और साथ ही हमारे सभी अधिकारीगण और उपस्थित सभी एमपी साहबान, विधायक साहबान और अन्य सभी महानुभव, मैं सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, क्योंकि माननीय ओम प्रकाश बिरला जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत ही जल्द यहां से प्रस्थान करना है, क्योंकि उनके ट्रेन का टाइम है। मैं ज्यादा बात ना करते हुए, लेकिन हमारे लिए ये बड़ी गर्व की बात है और कि यहां पे भगवान श्री कृष्ण ने इसी स्थान पर गीता का उपदेश दिया और यहीं पर उन्होंने अर्जुन को अपने विराट रूप का दर्शन कराया, जिससे उनकी जो शंकाएं थी वो समाप्त हुई। और आज वर्तमान सरकार का पूरा पूरा प्रयास है कि इस स्थान का पूरा विकास करना और पूरी दुनिया को इसकी जानकारी देने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी लगन के साथ इसमें लगे हुए हैं। और आज जो गीता महोत्सव है वो केवल भारत में नहीं, पूरी दुनिया में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। तो इस अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय कंवरपाल जी का। और इस अवसर पर सभी का एक बार पुनः अभिनंदन वंदन, ऐसी विभूतियों का जिनके आगमन से हम सब कृतार्थ महसूस कर रहे हैं, हम सब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। यह सब बहुत विशेष अवसर है हम सबके लिए। इस अवसर पर देवियों सज्जनों, आज विराट स्वरूप जो लाइट एंड साउंड शो का शुभारंभ होने जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री माननीय ओम बिरला जी और माननीय अन्य अतिथियों की गर्मामयी उपस्थिति में और उनके सानिध्य में और उन्हीं के द्वारा, ये बहुत ही विलक्षण एक लाइट एंड साउंड शो है। और इसमें चार अलग अलग जो टैब रखे हैं, टैब चार हैं, और चार के माध्यम से अलग अलग तरह के इफेक्ट्स उसमें प्रदर्शित किए जाएंगे। लाइट है, साउंड है, मैपिंग है, लेजर है, ये सारे अलग अलग टैब जो है अलग अलग तरह के एक्टिविटी को, टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर रहे हैं। और इसलिए इसको बहुत विशेष ये प्रस्तुति है, जिसे आप देखेंगे तो आपको बहुत आनंद तो मिलेगा। लेकिन हमारी इस बहुत ही ऐसी परंपरा जिस पर हमें गर्व है और ऐसी आस्था का एक केंद्र है ये स्थल, उस केंद्र में इस तरह की एक प्रस्तुति का शुभारंभ होने जा रहा है, यह हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं निवेदन करूंगा आप सबसे, सामने जो लोग खड़े हैं वो प्लीज साइड में हो जाएं।
नमस्कार। ज्योतिषर की पावन भूमि में आप सबका स्वागत है। आज हम आपका साक्षात्कार कराएंगे भगवान कृष्ण के दो भव्य रूपों से। पहला रूप वो विराट रूप है जो महाप्रभु ने हस्तिनापुर में दिखाया, जिसका उद्देश्य था कि रण ना हो। और दूसरा रूप वो विश्व रूप है जो अर्जुन ने देखा रणभूमि में, जिसका आशय था कि धर्म युद्ध हो। परंतु इन दो रूपों से पूर्ण सृष्टि के आदिकाल से श्री हरि ने धर्म की रक्षा हेतु हर काल में अवतार लिया, और यहीं से शुरू होगी हमारी आज की ये दर्शनीय मल्टीमीडिया प्रस्तुति। सृष्टि के पहले ना आकाश था ना पाताल, ना प्रकाश था ना अंधकार, ना जल था ना वायु, कुछ भी नहीं था। बस था हिरण्यगर्भ ही केवल, जो सभी प्राणियों का प्रकट स्वामी महान था। वही धारण करता था पृथ्वी और अंतरिक्ष। पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। छिपा था क्या, कहां, किसने ढका था? उस पल तो अगम अटल जल भी कहां। ब्रह्मा द्वारा रचित अद्भुत और अनुपम सृष्टि के पालन और सुरक्षा का भार महाविष्णु ने संभाला, और धर्म की स्थापना हेतु अनेकों अवतार लिए। इन अवतारों ने कभी मार्गदर्शन किया और कभी प्रेरणा दी, और आवश्यकता पड़ने पर महासंहार भी किया। अद्भुत कथा है भगवान विष्णु के अवतारों की। मत्स्य रूप में नौका से जीवन को पार लगाया, मंथन हेतु मेरु साधा कुर्म का रूप बनाया, लील रहा सागर धरती को वारह आन बचाया, और हिरण्य कश्यप को नियति तक नरसिंह ने पहुंचाया। त्रिपद में वामन के पहुंचा महाबली पाताल, अहंकार क्षत्रियों का फूला परशुराम बने काल, संघर्ष किया वनवास किया, जनमानस को विश्वास दिया, श्री रामचंद्र आदर्श बने और दशकंधर का नाश किया। इन सात आंशिक अवतारों के बाद महाविष्णु ने धारण किया पूर्ण अवतार। 16 कलाओं से युक्त महाविष्णु अपने वास्तविक रूप में धरती पर आए, आज कृष्ण के रूप में। ये वो अवतार था जिसमें महाविष्णु ने प्रेम भी सिखाया
और युद्ध भी, रास भी रचाई और रण भी। महाविष्णु के आठवें अवतार की कथा में एक दिन ऐसा भी आया जब भ्राताओं में ही द्वेष हुआ, भूखंड को लेकर क्लेश हुआ। कौरव ने चौसर बिछवाई, पांडव को समझ नहीं आई। द्यूत हुआ, पाखंड हुआ, निर्लज्जता नृत्य प्रचंड हुआ, सीमाएं तुड़वाई गईं, पांचाली सभा में लाई गई। अपमान हुआ जो नारी का, वो पूरे कुल पर भारी था। संरक्षण पाकर द्रौपदी ने संपूर्ण कौरव सभा में नारी अपमान की चेष्टा करने वाले हर व्यक्ति को चेतावनी दे डाली। जिस धरा पे हो बैठे धराधिपति, वो धरा ध्वंस धूमिल धरी जाएगी। दिखेंगे मृतक ही मृतक उस तरफ, जिस तरफ रक्त रंजित नजर जाएगी। होंगी विधवाएं इतनी गुरुवंश में, साड़ियां श्वेत सारी कम पड़ जाएंगी। नाम तक के लिए नरना होगा कोई, बीज को सूनी को के तरस जाएंगी। अब खुले ही रहेंगे केश मेरे तब तक, का विनाश नहीं होगा जब तक। द्रौपदी के अपमान की घटना ने वो पृष्ठभूमि तैयार कर दी जिस पर महाभारत रचा गया। कौरव और पांडव अपनी अपनी सेनाएं संगठित करने में लगे। कृष्ण ने दुर्योधन के पास जाने का निश्चय किया। ये उनका युद्ध रोकने का अंतिम प्रयास था। और फिर हस्तिनापुर की सभा को संबोधित करते हुए वासुदेव कृष्ण ने कहा, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो धरती अपनी तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया।
अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बड़ा कर बांध मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझमें लय है, यह देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन संसार सकल, मुझमें लय है झंकार सकल, अमृत्व फूलता है मुझमें, संहार झूलता है मुझमें, उदयाचल मेरा दीप्तिपाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिबंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, और दिखते जो ग्रह नक्षत्र निकल, सब है मेरे मुख के अंदर, दृघ हो तो दृश्य कांड देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग शर अक्षर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधने, हाँ दुर्योधन बांधने। भूलोक अथल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हरी सभा को छोड़ चले, करके रण गर्जन घोर चले, मन दुर्योधन का नहीं मना, और महाभारत का युद्ध ठहरा। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। रणभूमि पहुंची सेनाएं, फिर मध्य कृष्ण अर्जुन आए, अर्जुन ने देखे परिजन सब, शंका से भर आया मन तब। कोई गुरु तात कोई भ्राता, इन सब से है मेरा नाता, गांडीव चलाऊं मैं कैसे, संबंध भुलाऊं मैं कैसे। घटनाक्रम ऐसा घटित हुआ, जब रण में अर्जुन व्यथित हुआ, कर्म बताया केशव ने, निज धर्म बताया केशव ने, बोले निमित्त तू मैं करता, मेरे होते तू क्यों डरता। ब्रह्म ज्ञान पाकर अर्जुन भी उसी लोभ से ग्रसित हो गया, जिस लोभ से मानव कभी पार नहीं पा सकता। और वह था ईश्वर के विश्वरूप का दर्शन। अर्जुन ने कहा, हे माधव, मन में संशय होता है, ये विश्वरूप क्या होता है, इस संशय को नष्ट करो, अपना स्वरूप स्पष्ट करो। बोले हरि, दृग नहीं है योग्य तेरे,
ले दिव्य दृष्टि लख रूप मेरे। चक्षु जो दिव्य दिखा वो दिव्य तो था मोहक ना था। वो रूप नहीं मुरलीधर का, वो दृश्य महाकालेश्वर का। जल उठे सूर्य कहीं एक संग, बज उठे श्वास में रण मृदंग, अनगिनत नेत्र मुख दांत उदर, गए लील विश्व आतंकित कर। उद्गीरत मुख से प्रलय आग, कौरव पांडव हरि भोज भाग, आदित्य रुद्र मारुत अपार, गंधर्व वसु अश्वनी कुमार, कर रहे दंडवत सर्व नमन, पर हरि कोप में गर्जित घन। सारी सृष्टि दाह गई अनल, जो शेष बचा ले गया गरल। हरि मुख में सब कुछ समा गया, था विश्व यहीं अब कहां गया। हरि मुख भक्षण को आतुर था, मुख एक नहीं शतकोटि मुख, प्रत्येक पार्थ के ही सम्मुख। ये उग्र रूप था जो दर्शित थे, लोक त्रय कंपित कंपित। विकराल रूप जो दिखलाया, गुरकेश देख तक ना पाया। का रूप धरो वही जो प्रिय है, हर शब्द तुम्हारा अनुनय है। बोले प्रभु उठकर युद्ध करो, निज स्वधर्म को सिद्ध करो, नहीं समर तेरा ये मेरा है। कर्तव्य कर्म बस तेरा है। दो बार दिखाकर विश्वरूप, संदेश दिया अमृत स्वरूप। पहले चाहा ना ये रण हो, फिर चाहा अब रण ही रण हो। मैं ही तो हूं हर कोने में, रण होने में ना होने में।
परम सौभाग्यशाली हैं आप जो आज ज्योति सर की उसी भूमि पर इतिहास को पुनः जीवित होते देख रहे हैं। धन्य धरा ज्योति सर की जहां योगी राज ने ज्ञान दिया, धन्य धन्य ये कुरुक्षेत्र जिसने इतिहास को थाम लिया, धन्य धन्य ये विश्वरूप जिसने जग को नव प्राण दिया, धन्य धन्य श्री महाविष्णु नव धर्म प्रणीत महान किया। विराट बहुत बहुत आभार माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय श्री ओम बिरला जी का, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी का। व्यस्तताओं के बीच उन्होंने इतना समय दिया और शुभारंभ किया उस प्रोजेक्ट का, उस परियोजना का जिसकी प्रतीक्षा हम सब कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप और विश्व रूप को लाइट एंड साउंड के माध्यम से जिसे हरियाणा पर्यटन ने तैयार करवाया और उसका शुभारंभ आज आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति में माननीय श्री ओम बिरला जी और